की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्री के खिलाफ बगावत कर दी है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को भी भेजने की बात कही है। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है और प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। एक समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे खास रहा येवगेनी प्रिगोजिन अब खुलकर रूसी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। आइए जानते हैं कि प्रिगोजिन कौन है और कैसे एक हॉट डॉग का स्टॉल लगाने से शुरुआत कर एक प्राइवेट आर्मी का मुखिया कैसे बन गया। येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म साल 1961 में लेनिनग्राद में हुआ था। लेनिनग्राद को आज हम सब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जानते हैं। साल 1981 में येवगेनी को मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के बाद येवगेनी को 9 साल की सजा के बाद ही रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद येवगेनी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। इसके बाद येवगेनी ने एक रेस्तरां खोला। जल्द ही येवगेनी का रेस्तरां काफी प्रसिद्ध हो गया। येवगेनी के रेस्तरां की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन विदेशी मेहमानों को इस रेस्तरां में खाना खिलाने ले जाने लगे। इस तरह येवगेनी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीब आया। पुतिन से करीबी का फायदा उठाकर येवगेनी प्रिगोजिन ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। वह रूसी सेना और स्कूली बच्चों को खाना खिलाने के सरकारी ठेके लेने लगा। इसी के चलते येवगेनी की पहचान पुतिन के रसोइये के रूप में हो गई। कैटरिंग के बिजनेस से येवगेनी प्रिगोजिन ने खूब पैसा कमाया। येवगेनी प्रिगोजिन ने ही रूसी सेना के समर्थन से एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसे वैगनर ग्रुप का नाम दिया गया। इस प्राइवेट आर्मी में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी जवानों को शामिल किया गया। आरोप लगे कि वैगनर ग्रुप में अपराधियों को भी शामिल किया गया। वैगनर ग्रुप को क्रेमलिन का भी समर्थन मिला। आरोप है कि वैगनर ग्रुप सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकी देशों में भी क्रूर मिशनों को अंजाम दे चुका है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ही अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया। वैगनर ग्रुप के बढ़ते दबदबे के चलते ही येवगेनी प्रिगोजिन का भी रूस के शीर्ष नेतृत्व में दबदबा भी बढ़ा है और प्रिगोजिन को पुतिन के अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाने लगा था। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने हालात बदल दिए। एक समय पुतिन का सबसे खास प्रिगोजिन आज आलोचक बनकर उभरा है। प्रिगोजिन कई बार रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कर चुका है। अब बगावत का बिगुल फूंक कर प्रिगोजिन ने अपने साथ साथ पुतिन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।